हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 7 नवंबर और टाइम हो रहा है 5:07। तो अभी मैं निकल रहा हूँ लॉन्ग राइड के लिए। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जल्दी ही मैं लॉन्ग राइड पे जाने वाला हूँ, तो ये जो राइड होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इस राइड पे मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड डेडलीएस्ट रोड पे। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे बाइक पे। राइड में मेरे साथ जाने वाले हैं कैफ भाई और हम लोग की 7-8 दिन की राइड जैसे होने वाली है। तो चलिए अभी फटाफट पहुँचते हैं मेन रोड पे। जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन जाता है, इवन नाइट में तो माइनस में भी जाता है। अभी हम लोग हैं इस समय दीपू चौहान ढाबे पे, रमीजे भाई, कैफ भाई और हमारे साथ जा रही है डोमिनार और डोमिनार। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 6। तो चलिए चलते हैं और आपको मिलते हैं रोड पे। हाँ सही है, थोड़ा कैमरे की सेटिंग गड़बड़ हो गई थी तो इसलिए हमने रुकना पड़ा और फाइनली जय गणेश जी। तो अभी हम लोग जस्ट अभी निकले हैं क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया, रंजय भाई भी आए थे जो बातें करने में टाइम लग गया। भैया फुल कर दो, तो पेट्रोल पड़ गया 511 का। चलिए तो पेट्रोल हो गया है, अब चलते हैं फाइनली कानपुर को लीव करते हैं। पर काफ़ी लेट हो गया था एक्चुअली, ढाबे पे काफ़ी टाइम लग गया था। तो अभी हम लोग आ गए इटावा टोल प्लाजा। लगभग 120-125 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, टाइम हो रहा है 8:42। तो अभी तक रोड वगैरह सभी कुछ काफ़ी अच्छा था। हाँ कैश कर दूँ। तो अभी हम लोग डलवा रहे हैं दूसरी बार पेट्रोल। एक्चुअली हम लोग एक्सप्रेसवे पे चढ़ने वाले हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि उस पर चढ़ने से पहले टैंक फुली करवा लूँ, जिससे कि बार बार डलवाने का टेंशन ना रहे। हो गया कितने का? 479.23। अभी हम लोगों ने डलवाया था पहले 510 का और ये 479, अब तक 1000 का पेट्रोल डलवा चुके हैं। यहीं कॉर्नर पे चाय पी लेंगे और चाय पीने के बाद फिर चलेंगे। ये अप्रॉक्स 2 आवर्स की हम लोग कंटिन्यू राइड कर चुके हैं, तो कंटिन्यू राइड के बाद एक टी ब्रेक तो बनता है। तो ये है जगह जहाँ पर हम चाय, सामने है रिलायंस पेट्रोल पंप जहाँ से अभी फ्यूल डलाया था, उसके बाद यहाँ पे चाय पिए और चाय पीने के बाद यहाँ से नीचे जाएंगे और ऊपर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, वो सामने दिख रहा होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, फिर यमुना एक्सप्रेसवे और फिर दिल्ली। तो आज हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे जिससे कल आराम से चंबा पहुँच सकें। अभी सेट प्लान करके नहीं जा रहे हैं क्योंकि सेट प्लान करके जाना, अगर ट्रैवल कर रहे हैं घूमने जा रहे हैं तो फिर सेट प्लान का कोई वो नहीं मिलता। कहीं रुकने का मन करेगा तो ज़्यादा भी रुक जाएंगे। और ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है यहाँ पर बाइक का भी टोल लगता है। बहुत ही कम एक्सप्रेसवे हैं इंडिया में जहाँ बाइक का टोल लगता है और उनमें से एक ये भी है। तो यहाँ पर अभी टोल कटाएँगे और उसके बाद हम लोग जाएँगे। बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेसवे बना हुआ है। फाइनली हम लोग आ गए हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे और इस राइड को लेके बहुत ही एक्साइटमेंट है क्योंकि बहुत समय से सोच रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था, कोरोना आ गया। अब जैसे धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है तो ट्रैवल भी सब जगह पे खुल रहा है, तो काफ़ी टाइम से हम लोग कहीं नहीं गए थे। राइड का देखें तो लास्ट ईयर गए थे हम लोग कोलकाता, उसके बाद जयपुर और एक दो जगह गए थे, वहाँ पर तो कुछ खास बाइक राइड नहीं की थी, बट मेन जो बाइक राइड की थी वो की थी कोलकाता राइड में, जो कि अराउंड 1000 किलोमीटर वन साइड का। तो वो सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, व्यू देखिए क्या मस्त व्यू है। हल्की हल्की ठंड होने लगी है, टाइम हो रहा है 10:19। ये बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेसवे बना हुआ है, इस पर चलाने में मज़ा आएगी। अभी
भाई आ जाए तो फिर स्पीड अप करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या स्पीड से गाड़ियाँ जा रही हैं, मतलब एक्सप्रेस वे बहुत ही अच्छा बना हुआ है और कानपुर से लेकर के अब तक की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, बहुत ही मज़ा आया है। और बाइक का अगर मैं आपको बोलूँ तो बाइक बहुत स्मूथ चल रही है, 100-110 ये तो एकदम नॉर्मल चल रही है, ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हम इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल स्पीड लग रही है। तो बाइक की परफॉर्मेंस और बाकी मेजर परफॉर्मेंस तो आपको आगे पता चलेगी। अगर मैं अब तक का आपको बताऊं तो अब तक बहुत ही अच्छा बाइक का परफॉर्मेंस रहा है और पिकअप अच्छा है, स्पीड बहुत अच्छी है। अभी 110 आपने देखा होगा पीछे, 100-110 पे तो नॉर्मल स्पीड पे चल रही थी, कोई खास मतलब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। बाइक का पूरा रिव्यू मैं टाइम टू टाइम देता रहूँगा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई चीज़ मुझे फील होगी तो मैं वो भी आपको इसमें बताता रहूँगा कि बाइक में किस तरह की परफॉर्मेंस है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपने लास्ट फुटेज देखी होंगी दो तीन, उसमें क्या था 127 के अबव जब भी स्पीड जा रही थी तो आरपीएम अपने आप ही कम हो जा रहा था, मतलब मैं सोच रहा था इस पर यहाँ पे स्पीड टेस्ट करूँ क्योंकि रोड अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो स्पीड टेस्ट करना चाहता था। बट 127 के ऊपर जब भी मैं ले जा रहा था, 127 पे जाने के बाद इसके आरपीएम अपने आप डाउन आ जा रहे थे, और 1000 किलोमीटर नहीं चली है, 871 किलोमीटर चली है, बट 127 तक जो गई थी उसके उस समय ये बाइक एकदम रोड से सेट होके चल रही थी, किसी तरह का कोई वाइब्रेशन कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। तो अब तक का मैं अगर इसका रिव्यू आपको दूं तो मुझे बहुत ही सही लगा, सिटी में भी चला चुका हूँ, सिटी में भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और हाईवे पे तो आपने देख ही लिया 127 की एकदम सेट होके चल रही थी, कोई वाइब्रेशन किसी तरह का कोई इशू नहीं था। आने वाले ब्लॉग में इसकी प्रॉपर परफॉर्मेंस का रिव्यू आपको मिलता रहेगा, तो और इंस्टा पे फॉलो कर ले क्योंकि अभी भी हम लोग रुके थे तो रेगुलर इंस्टा स्टोरी वगैरह अपडेट कर रहे हैं। तो इसलिए चलते हैं और पहले पहुँचते हैं यमुना एक्सप्रेस वे, फिर उसको क्रॉस करेंगे दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम चाहते हैं कि टाइम से दिल्ली को क्रॉस कर लें। अभी टाइम हो रहा है 11:39, तो अपने पास ऑफिशियली 1.5 घंटे में भी अगर दिल्ली पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में भी दिल्ली पहुंच जाते हैं तो ट्रैफिक कम मिलने के चांस है, बट दिल्ली का ट्रैफिक तो हर समय ही रहता है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो चलिए चलते हैं, स्पीड अप करते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा पे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की तरह यहाँ भी टोल लगता है और वहाँ पर था 80 रुपीज़ का, यहाँ है 205 का, बट ये दोनों ही एक्सप्रेस वे ऐसे हैं जहाँ पर टोल लगता है। तो चलिए यहाँ से भी निकलते हैं और जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुँचते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं DND फ्लाईओवर पे। एक्चुअली अभी तक ब्लॉग इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि हमें कर रहा था डिस्टेंस ज़्यादा और थोड़ा सा हो गया था कंफ्यूजन। रीज़न क्या था कि हम लोग गूगल मैप पे जो रूट देख रहे थे वो दिखा रहा था ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे वाला, जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता, बहुत ज़्यादा लेंदी रूट हो जाता। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब दिल्ली के अंदर से चलेंगे। दिल्ली के अंदर से आने से हमें डर बस इतना ही था कि ट्रैफिक मिल सकता है, तो अभी टाइम हो रहा है 3:15, तो ट्रैफिक मिलने के चांस बहुत कम है। तो उसके बाद अभी हम लोग का जो
प्लान है वो है मूर्थल में। मूर्थल में थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे। अभी जल्दी से जल्दी प्लान यही है कि बस दिल्ली का क्रॉस कर लें, क्योंकि दिल्ली क्रॉस करने के बाद फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट दिल्ली में अगर एक बार जाम में फंस गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमारा प्लान है कि जल्दी इसको पहले कवर किया जाए। यहीं से गलत आए बस इसी पर फ्लाईओवर से। अच्छा, सीधा जाना था इसके नीचे से। अब इधर से जाके इधर से सीधे निकल जाते। थैंक यू। तो जिस जाम से हम लोग डर रहे थे वही हुआ। देखिए कितना लंबा जाम लगा हुआ है आगे, बहुत लंबा जाम है। पहली पार कर लिया है इस जाम से जूझते हुए निकलते हुए। अब सामने ये हरियाणा है और ये है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर। भैया 510 का डाल दो। तो फ्यूल काफ़ी लो हो रहा था तो मैंने सोचा एक बार फ्यूल और डला लेता हूँ, क्योंकि जाम में तो हम लोग फंसे ही हैं। तो जब जाम में फंसे हैं तो काम ही निपटा लें। अब हम लोग आ गए हैं गोल्डन हट और रियल पंजाबी ढाबा, यहाँ पर कुछ खाते हैं। फाइनली बहुत ही लंबे जाम से निकलने के बाद अब हम लोग आ गए हैं मूर्थल और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं गोल्डन हट ढाबे पे। और यहाँ का जो खाना है वो आप लोग देख ही सकते हैं मूर्थल किस लिए फेमस है। ये देखिए पनीर पराठा प्लस आलू पराठा, बटर पनीर मसाला और ये वाइट मक्खन जो मूर्थल का ही फेमस है। हम लोग जब भी खाने आते हैं तो ये वाइट बटर जो मिलता है वो यहीं पे मिलता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ यूनिक एक्सपीरियंस के लिए मूर्थल के पराठे तो बेस्ट है। पहले कैब भाई से पूछते हैं कैसी रही आज की जर्नी। दिल्ली तो नाम के लिए बदनाम है। दिल्ली से लेकर पानीपत तक रोड पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है, बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है। तो पानीपत तक सोच के आने के दिल्ली में ही जाम में गाड़ी चलानी है। 3 घंटा जाम में चलाने के बाद अब खाना मिल रहा है सुबह का पहला, भाई एंजॉय कर रहा है। तो हम लोग ने सोचा था कि पराठे खाएंगे, खाना खाएंगे तो मूर्थल में ही खाएंगे, इसलिए हम लोग कहीं भी ब्रेक नहीं लिए। छोटे छोटे ब्रेक लेते रहे, टी ब्रेक और बहुत सारे ब्रेक लिए, बट जो मील ले रहे हैं वो यहीं पर ले रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। और कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी राइड कर करके, तो अभी लेकिन अभी हम लोग को काफ़ी और डिस्टेंस भी कवर करना है। कहाँ जाते हैं, कहाँ रुकते हैं, वो सब आपको आगे पता चलता ही रहेगा। तो चलिए मिलते हैं मील के बाद। तो डिनर हो गया यहाँ पे रियल पंजाबी ढाबा और गोल्डन हट, और टाइम हो रहा है 7:19। प्लान है हमारा कुरुक्षेत्र में रुकने का। कुरुक्षेत्र यहाँ से है अराउंड 2 आवर्स की डिस्टेंस पे। 2 आवर्स यानी 9:30 तक पहुँचेंगे। कुरुक्षेत्र से चंबा की डिस्टेंस है लगभग 9 to 9 आवर्स की। पठानकोट के बाद हिल्स स्टार्ट हो जाएंगी, तो प्लान ये है कि हिल्स जब स्टार्ट होंगी तो आप लोगों को अच्छे से दिखा भी सकेंगे, इसलिए हम लोग रुकेंगे कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बाद कल राइड करेंगे। और फिलहाल ट्रैफिक यहाँ पर कम है, बाकी मेन सिटी का नहीं पता कैसा क्या हाल होगा। तो यहाँ से तो अभी निकल गए हम लोग। सब सेट। अभी हम लोग हैं करनाल में, यहाँ से 40 के करीब बचा है आपका कुरुक्षेत्र। फाइनली अभी हम लोग आ गए कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में ये मेन हाईवे के पास यहाँ पे लिया है हमने रूम। अभी तो हम लोग थक गए हैं तो यहाँ बैठने का टाइम नहीं है, तो अभी हम लोग चलेंगे अंदर, यहाँ से अनलोडिंग करते हैं, सामान अंदर रखते हैं, और सामान अंदर रखने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली अब हम लोग आ गए हैं होटल स्वागत, जो कि है कुरुक्षेत्र से 7 किलोमीटर आगे। आज का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, कानपुर से निकलने से लेकर के नोएडा तक बहुत ही अल्टीमेट था, रोड वगैरह सब कुछ अच्छा था। बट दिल्ली में एंट्री करने के बाद जो हम लोग की हालत हुई है ना, एक्चुअली हम सोच रहे थे, जो कि मैंने पहले भी आपको ब्लॉग में बताया कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से निकलने का गूगल मैप दिखा रहा था, बट हमने डिसाइड किया कि वो बहुत लॉन्ग रूट पड़ जाएगा, दिल्ली से चलते हैं। दिल्ली से आने का डिसीजन जो था कुछ हद तक सही था, कुछ हद तक गड़बड़ भी था, क्योंकि ट्रैफिक ने जो हम लोग की वाट लगाई ना बहुत ज़्यादा, 2 से 3 घंटे वहाँ पे वेस्ट हुए। उसके बाद जैसे ही हमने दिल्ली क्रॉस किया उसके बाद रोड फिर अच्छी थी, और इसके बाद चलाने में भी मज़ा आया, और फिर शाम हो गई थी, और रात में राइड करने का मज़ा ही अलग था। और कल हमारी राइड होगी यहाँ से लेकर के चंबा की। यहाँ से चंबा है टोटल 422 किलोमीटर और टाइम लगेगा लगभग 8.5 घंटे का, ब्रेक वगैरह ले लेंगे थोड़ा और बढ़ जाएगा, और हम लोग जाएंगे लुधियाना पठानकोट होते हुए चंबा। तो फाइनली अब टाइम आ गया, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और कल थोड़ा सा फ्लैट रहेगा पठानकोट तक, और पठानकोट के बाद शुरू हो जाएंगे पहाड़, जो कि हम देखने आए हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने आए वो है सचपास, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेडलीस्ट रोड।
तो वो जरूर आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।